Hello everyone. In this lecture, we will discuss about the different types of efficiencies which is used in the impulse turbine. तो सबसे पहले देखते हैं blade और diagram efficiency. Blade efficiency यहाँ पे क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि efficiency क्या होती है? Output upon input. तो यहाँ पे हम उस efficiency की बात कर रहे हैं कि जो moving blades हैं, moving blade के output पे कितनी energy है और मूविंग ब्लेड पे जब स्टीम इन कर रही थी तब उसके पास कितनी एनर्जी थी. ठीक है, तो मूविंग ब्लेड पे जब स्टीम एंटर कर रही थी वो कौन सी टाइप की एनर्जी थी? काइनेटिक एनर्जी, ओनली काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज वी आर टॉकिंग अप, क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इम्पल्स टर्बाइन की. तो इम्पल्स टर्बाइन की तो डेफिनेशन ही यही है कि इम्पल्स टर्बाइन में मूविंग ब्लेड्स के इनलेट पे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी अवेलेबल होती है. तो इनपुट किस फॉर्म में होगी? यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होगी. जो मूविंग ब्लेड्स हैं उसके इनलेट पे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी अवेलेबल थी और मूविंग ब्लेड्स ने उस काइनेटिक एनर्जी से कितनी मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट की. मैकेनिकल एनर्जी हमें कहाँ मिलेगी? टर्बाइन्स जो टेंजेंशियल फोर्स है उसकी वजह से जो आउटपुट हमें मिली वो कितनी होगी. ठीक है, तो ब्लेड इफिशियंसी क्या होगी? इट इज द रेशियो ऑफ एक्चुअल वर्क डन बाय द ब्लेड टू द एनर्जी एट द इनलेट ऑफ द ब्लेड. तो ब्लेड के आउटलेट पे या फिर इसकी जो आउटपुट है वो कितनी है, टरबाइन की जो आउटपुट है वो कितना वर्क प्रोवाइड कर रहा है टरबाइन, दैट इज एम डॉट वी डब्ल्यू वन प्लस वी डब्ल्यू टू इंटू यू. ये ऑलरेडी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, दिस इज द टेंजेंशियल पावर. तो टेंजेंशियल फोर्स है वी डब्ल्यू वन और वी डब्ल्यू टू, ये अपोजिट डायरेक्शन में इसलिए यहाँ पे एड हो गए. अगर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो एक दूसरे को काउंटर करते हैं, माइनस आ जाता है यहाँ पे. m dot is the mass flow rate of steam and u is the peripheral velocity of the turbine. Peripheral velocity of the turbine. तो ये इतनी जो पावर है वो टर्बाइन से प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन इनलेट पे मूविंग ब्लेड्स के इनलेट पे कितनी एनर्जी अवेलेबल थी? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्टीम, क्योंकि नोजल ने सारे के सारे एंथैल्पी को, प्रेशर को कन्वर्ट कर दिया था काइनेटिक एनर्जी में, और वो काइनेटिक एनर्जी है m dot v1 square by 2, यानी कि half m dot v1 square. यहाँ पे m dot है तो ये जो एनर्जी की हम बात कर रहे हैं वो जूल या किलो जूल में बात नहीं कर रहे हैं बल्कि जूल पर यूनिट टाइम की बात कर रहे हैं. यानी कि ये जो एनर्जी, क्योंकि डॉट लगा हुआ है यानी कि मास की बात नहीं हो रही है, मास फ्लो रेट की बात हो रही है, इसीलिए यहाँ पे ये एनर्जी जो है ये भी एनर्जी पर यूनिट टाइम में आएगा, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि m dot जो मास फ्लो रेट है स्टीम का वो तो ऊपर भी सेम है और नीचे भी सेम है, तो ये तो वैसे भी कैंसिल आउट होने वाला है. और दूसरा, पर यूनिट टाइम ऊपर भी आएगा और पर यूनिट टाइम नीचे भी आएगा, तो वो ऐसे भी वो कैंसिल आ जाएगा क्योंकि एफिशिएंसी इज नॉट डायमेंशनलेस टर्म. तो एफिशिएंसी की वैसे भी कोई डायमेंशन नहीं है जो भी, लेकिन हमें बस यही ध्यान रखना है कि जो यूनिट हम डिनोमिनेटर में यूज कर रहे हैं वही यूनिट को हम न्यूमरेटर में भी यूज करेंगे. तो एम डॉट से एम डॉट तो यहाँ वैसे भी कैंसिल हो जाएगा और ये जो टू है ये ऊपर चला जाएगा. तो जो ब्लेड इफिशियंसी है वो कितनी हो जाएगी? ब्लेड इफिशियंसी विल बी टू यू, को हमने पहले रख लिया यहाँ पे, टू यू वी डब्ल्यू वन प्लस वी डब्ल्यू टू अपॉन वी वन स्क्वायर. दिस इज द ब्लेड इफिशियंसी. और डायग्राम इफिशियंसी हम इसको क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये सारी जो वैल्यूज हैं वी डब्ल्यू वन, यू, वी डब्ल्यू टू, वी वन, ये हमें कहाँ से पता लग रही है? ये इसके वेलोसिटी डायग्राम से पता लग रही है. तो इसीलिए हम वेलोसिटी डायग्राम से ये सारी वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं, इसीलिए हम इसको ब्लेड और डायग्राम इफिशियंसी बोलते हैं. तो ब्लेड इफिशियंसी बिकॉज इन ब्लेड के इनलेट पे एनर्जी अवेलेबल थी काइनेटिक एनर्जी और ब्लेड ने उसको कन्वर्ट किया, मूविंग ब्लेड्स ने उसको कन्वर्ट किया मैकेनिकल एनर्जी में, विच इज एम डॉट वी डब्ल्यू वन प्लस वी डब्ल्यू टू इंटू यू. तो यहाँ पे ब्लेड और डायग्राम इफिशियंसी कितनी आ गई है? टू यू वी डब्ल्यू वन प्लस वी डब्ल्यू टू अपॉन वी वन स्क्वायर. ठीक है, अब ये तो नॉर्मल जो भी कंडीशन होगी, जिस कंडीशन में टर्बाइन मूव कर रहा है उस कंडीशन में इतनी इफिशियंसी हमें टर्बाइन से मिलेगी, लेकिन हम ये देखना चाह रहे हैं कि ऐसी क्या कंडीशन होगी जिस कंडीशन पे ये इफिशियंसी मैक्सिमम हमें मिल सकती है. तो देखते हैं कंडीशन फॉर मैक्सिमम ब्लेड इफिशियंसी, मैक्सिमम ब्लेड इफिशियंसी के लिए क्या कंडीशन हमें यूज करनी चाहिए. ठीक है, तो ब्लेड इफिशियंसी है टू यू वी डब्ल्यू वन प्लस वी डब्ल्यू टू अपॉन v1 square, 2u vw1 plus vw2 upon v1 square. अब देखिए हम यहाँ पे जब बात कर रहे हैं मैक्सिमम ब्लेड इफिशियंसी की कंडीशन फाइंड आउट करने की, तो मैक्सिमम ब्लेड इफिशियंसी की जब हम कंडीशन फाइंड आउट कर रहे हैं तो वो कंडीशन होगी इन द फॉर्म ऑफ u, यानी कि पेरिफेरल वेलोसिटी ऑफ द टर्बाइन एंड द
वी वन इनलेट वेलोसिटी ऑफ द स्टीम, ठीक है? तो यू और वी वन के बीच में ऐसा क्या रिलेशन यूज करें हम, यानी कि जो पेरिफेरल वेलोसिटी है वो इस इनलेट वेलोसिटी का कितना टाइम्स या कितना परसेंट रखें जिसकी वजह से हमें मैक्सिमम ब्लेड इफिशियंसी मिले। तो मैक्सिमम ब्लेड इफिशियंसी के लिए हम क्या करते हैं, जो ब्लेड इफिशियंसी की एक्सप्रेशन है इसको डिफरेंशिएट करके जीरो के जीरो में पुट कर देंगे। लेकिन डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, यू के रेस्पेक्ट में या फिर वी वन के रेस्पेक्ट में, क्योंकि हमें यू और वी वन के बीच में एक रिलेशन चाहिए, ठीक है? तो हमें क्या करना पड़ेगा कि पहले यू और वी वन की फॉर्म में इस पूरे को कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वी डब्ल्यू वन कहीं ना कहीं जो है वो भी वी वन का ही कंपोनेंट है, तो इसको हम इंडिपेंडेंट नहीं ले सकते या इसको हम कांस्टेंट टर्म नहीं ले सकते वी डब्ल्यू वन और वी डब्ल्यू टू को। इसीलिए हमें पहले वी डब्ल्यू वन वी डब्ल्यू टू इन सारी टर्म्स को जो भी यहाँ पे आएंगी उनको कन्वर्ट करना पड़ेगा यू या फिर वी वन की टर्म में, और पूरी एक्सप्रेशन को यू और वी वन की फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ही हम इसको डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें वी डब्ल्यू वन और वी डब्ल्यू टू की वैल्यूज को फाइंड आउट करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ यू एंड वी वन, ठीक है? अभी ये क्वेश्चन बना हुआ है कि यू के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है या वी वन के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, तो उसको अभी आगे देखेंगे। पहले हम इसको वी डब्ल्यू वन और वी डब्ल्यू टू को कन्वर्ट कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ यू एंड वी वन, ठीक है? तो यहाँ पे हमने लिखा वी डब्ल्यू वन प्लस वी डब्ल्यू टू, क्योंकि ये इस पूरी वैल्यू की जगह ही हमें पुट करना है इन टर्म्स ऑफ यू एंड वी डब्ल्यू वन। तो वी डब्ल्यू वन की वैल्यू देखते हैं। देखो वी डब्ल्यू वन की वैल्यू अगर आप वेलोसिटी डायग्राम में देखोगे तो वो आएगी वी आर वन कॉस थीटा प्लस यू, वी आर वन कॉस थीटा प्लस यू। अगर आप वेलोसिटी डायग्राम पे जाएंगे तो वहां से ये वैल्यू आपको मिल जाएगी वी आर वन कॉस थीटा प्लस यू। देखिए हमें यहाँ पे वैल्यू चाहिए थी किसकी, वी डब्ल्यू वन की, यानी कि यहां से लेके ये यहां तक वाली हमें वैल्यू चाहिए वी डब्ल्यू। तो इसके लिए हमने क्या किया, देखिए इस वी डब्ल्यू वन की वैल्यू को हम दो फॉर्म में अलग अलग निकालेंगे। एक तो वी डब्ल्यू वन सीधे सीधे ये वाली जो वेलोसिटी है वी वन, अगर इसको हम रिजॉल्व कर देंगे इस डायरेक्शन में इसको लेके आएंगे, दिस इज एंगल अल्फा, तो सीधे सीधे यहाँ पे ये हमें मिल जाएगी वी वन कॉस अल्फा, वी वन कॉस अल्फा। तो एक वैल्यू तो इसकी ये हो गई, दूसरी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे इसकी वी आर वन के रेस्पेक्ट में, वी आर वन के रेस्पेक्ट में। तो ये रहा हमारा वी आर वन, तो वी आर वन को जब हम इधर को रिजोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा वी आर वन कॉस थीटा, लेकिन वी आर वन कॉस थीटा तो सिर्फ इतनी ही वैल्यू है, ये वाली वैल्यू है सिर्फ, देखिए दिस वैल्यू इज वी आर वन कॉस थीटा, और जब हम इसमें ये यू को भी ऐड कर देंगे तब ये बन जाएगा वी डब्ल्यू वन के बराबर। तो इतनी यहां से यहां तक हो गया वी आर वन कॉस थीटा और यहां से यहां तक हो गया यू, इन दोनों को ऐड कर दिया तो ये बन जाएगा वी डब्ल्यू वन। तो यहाँ वी डब्ल्यू वन की एक और वैल्यू भी हमें यहां से मिलेगी, दैट इज वी आर वन कॉस थीटा प्लस यू, प्लस यू, ठीक है? तो दोनों वैल्यू को हमने फाइंड आउट कर लिया, वी वन कॉस अल्फा और वी आर वन कॉस वी वन कॉस अल्फा और वी आर वन कॉस थीटा प्लस यू। उसी तरीके से हम वी डब्ल्यू टू की वैल्यू भी निकालेंगे। तो देखो वी डब्ल्यू टू की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो वी डब्ल्यू टू की वैल्यू को के लिए हम इस वी आर टू को इधर की तरफ रिजोल्व करेंगे। देखो वी आर टू यहां से लेके पूरा यहां तक है वी आर टू, तो जब इसको हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इधर फाई के रेस्पेक्ट में रिजोल्व करेंगे तो ये हमें मिलेगा वी आर टू कॉस फाई, यहां से लेके यहां तक की वैल्यू मिलेगी वी आर टू कॉस फाई, लेकिन वी डब्ल्यू टू सिर्फ यहां से लेके यहां तक है, यहां से लेके यहां तक है। तो इसका मतलब इस पूरी वैल्यू में से ये वाली जो वैल्यू है वी आर टू कॉस फाई, इसमें से हमें यू को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है? तो यहां से हमें वी डब्ल्यू टू की वैल्यू पता लगेगी विच इज वी आर टू कॉस फाई माइनस यू, इसमें माइनस यू करना पड़ेगा क्योंकि वी आर टू कॉस फाई यहां से लेके यहां तक की वैल्यू है और हमें सिर्फ इतनी चाहिए, तो इसमें से ये वाली जो वैल्यू है यू ये माइनस कर देंगे तो वी डब्ल्यू टू की वैल्यू आ जाएगी वी आर टू कॉस फाई माइनस यू। अब देखो जब वी डब्ल्यू वन और वी डब्ल्यू टू को एड करेंगे तो वी डब्ल्यू वन प्लस वी डब्ल्यू टू कितना आएगा, वी डब्ल्यू वन की ये वाली वैल्यू चूज करेंगे वी आर वन कॉस थीटा प्लस यू और वी डब्ल्यू टू की ये वाली वैल्यू यूज करेंगे वी आर टू कॉस फाइव माइनस यू। तो U से U क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा जब हम VW1 और VW2 को ऐड करेंगे, तो VW1 और VW2 की वैल्यू आ जाएगी VR1 cos theta plus
प्लस वी आर टू कॉस फाई। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वी डब्ल्यू वन और वी डब्ल्यू वन प्लस वी डब्ल्यू टू की वैल्यू वी आर वन कॉस थीटा प्लस वी आर टू कॉस फाई को फाइंड आउट कर लिया। अब इसमें से हमने वी आर वन कॉस थीटा को कॉमन ले लिया, वी आर वन कॉस थीटा को जब कॉमन लिया तो ये बाहर आ गया वी आर वन कॉस थीटा, इसकी जगह पे तो बचा वन क्योंकि यहाँ पे तो वी आर वन कॉस थीटा ही था, प्लस वी आर टू कॉस फाई, यहाँ पे ये वाली टर्म है और इसमें से वी आर टू कॉस फाई में से वी आर वन कॉस थीटा कॉमन ले लिया, तो क्या आएगा वी आर टू कॉस फाई डिवाइडेड बाई वी आर वन कॉस थीटा, ये वाली टर्म आ जाएगी। ठीक है, अब देखो थीटा और फाई से हमें ज्यादा कुछ लेना देना है नहीं क्योंकि ये सारे टर्म्स हैं इंडिपेंडेंट, तो ये तो कॉन्स्टेंट टर्म रहेंगे। अब इतना लंबा बार बार लिखने की बजाय हमने क्या किया, कॉस थीटा अपॉन कॉस सॉरी कॉस फाई अपॉन कॉस थीटा को एक्स मान लिया क्योंकि बार बार ये टर्म हम लिखने चाहते और इस ये वैसे भी इंडिपेंडेंट है तो ये पार्ट लेने नहीं वाला है डिफरेंशिएशन में, तो इसको हमने एक अलग से लिख दिया कॉस फाई अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, साथ ही साथ वी आर टू अपॉन वी आर वन को हम क्या लिख सकते हैं, देखो लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था कि वी आर वन और वी आर टू वैसे तो बराबर होते हैं लेकिन अगर ब्लेड में फ्रिक्शन है, अगर ब्लेड में फ्रिक्शन है तो वी आर वन कितना होगा के वी आर टू, वेयर के इज द वेलोसिटी कोफिशियंट था यहाँ पे फ्रिक्शन कोफिशियंट, तो फ्रिक्शन की वजह से अगर आपकी रिलेटिव वेलोसिटी कम होती है तो वी आर टू जो है वो वी आर वन से कम हो जाएगी और फ्रिक्शन नहीं है तो ये दोनों बराबर रहेंगी, तो अगर बराबर रहेंगी तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, लेकिन अगर फ्रिक्शन होगा और ये दोनों बराबर नहीं होगी तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, के की जो वैल्यू है वो लगभग 0.9 के आसपास में रहती है, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी वी आर वन अपॉन वी आर टू, के की वैल्यू आ जाएगी वी आर वन अपॉन वी आर टू। ठीक है, तो इसकी जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, यहाँ पे के पुट कर दिया है और कॉस फाई और कॉस एक्स इसकी जगह पे हमने एक्स पुट कर दिया है। अब ये हमने टर्म यहाँ पे इसलिए पुट किया है क्योंकि ये दोनों ही चीजें जो हैं ये दोनों ही चीजें कांस्टेंट हैं, इन ये बिल्कुल भी डिफरेंशिएशन में पार्ट लेने वाले नहीं है, तो बाहर हमने ले लिया वी आर वन और यहाँ पे कॉस थीटा पहले से आ गया, तो ये किसकी वैल्यू आई है वी डब्ल्यू वन प्लस वी डब्ल्यू टू की वैल्यू आई है, ये वी डब्ल्यू वन वी डब्ल्यू वन प्लस वी डब्ल्यू टू की वैल्यू आई है। अब देखो ये जो वी आर वन कॉस थीटा है, वी आर वन कॉस थीटा, ये हमने जब वी डब्ल्यू वन की वैल्यू निकाली थी तो वो कितनी थी, वी डब्ल्यू वन की वैल्यू थी वी आर वन कॉस थीटा माइनस यू, तो वी आर वन कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉरी प्लस यू, वी आर वन कॉस थीटा प्लस यू, वी डब्ल्यू वन की वैल्यू थी वी आर वन कॉस थीटा प्लस यू, तो वी आर वन कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वी डब्ल्यू वन जब ये यू इधर जाएगा तो वी डब्ल्यू वन माइनस यू आ जाएगी, तो वी आर वन कॉस थीटा की वैल्यू को हमने पुट कर लिया वी डब्ल्यू वन माइनस यू, और वी डब्ल्यू वन की एक और वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी, वी डब्ल्यू वन की एक और वैल्यू फाइंड आउट की थी हमने, विच इज क्या थी वो v1 cos alpha, सीधे सीधे हो गई थी v1 cos alpha, तो इस vw1 की जगह पे पुट कर दिया v1 cos alpha। ठीक है, अब ये देखो क्या बच गया यहाँ पे vw1 plus vw2, vw1 plus vw2 में vr1 cos theta को हमने बाहर ले लिया था और अंदर बचा था 1 plus kx, तो ये 1 plus kx ये तो बाहर ही है, यहाँ पे जो ये vr1 cos theta था इस vr1 cos theta की जगह पहले तो पुट किया vw1 minus u और इस VW1 की जगह पुट कर दिया V1 cos alpha, तो ये हो गया V1 cos alpha minus U, V1 cos alpha minus U, तो अब अगर आप देखो कि VW1 और VW2 को हमने V1 और U की टर्म में फाइंड आउट कर लिया है, तो यही जो वैल्यू है VW1 plus VW2 की जो कि हमने अभी फाइंड आउट की है V1 और U की टर्म में, इसको हमने efficiency की टर्म efficiency का जो फॉर्मूला था 2u vw1 plus vw2 upon v1 square, इसकी जगह पे vw1 plus vw2 की जगह पे क्या पुट कर देंगे v1 cos alpha minus u, तो यहाँ पे आ जाएगा 2u v1 cos alpha minus u, v1 cos alpha minus u और 1 plus kx और डिवाइडेड में v1 square तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो डिवाइडेड में यहाँ पे v1 square ऐसे ही रहेगा, अब ये जो u है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 को भाई बाहर रखा रहने देंगे, 2 ये हो जाएगा v1 u cos alpha minus u square और 1 plus kx भी ऐसे रहेगा, तो u के अंदर मल्टीप्लाई करी तो ये हो गया v1 u cos alpha minus u की u से मल्टीप्लाई तो u square हो। ठीक है, और डिवाइडेड में v1 square भी ऐसे ही है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्पीड रेशियो ले लेंगे, स्पीड रेशियो एक टर्म होती भी है। ठीक है, स्पीड रेशियो एक टर्म होती है, ये आपने पढ़ा होगा
जब आप फ्लूइड मैकेनिक्स में हाइड्रोलिक टरबाइन पढ़ते हैं, तो स्पीड रेशियो होता क्या है, वहां पे फाई से डिनोट कर देंगे, लेकिन यहाँ पे फाई एक एंगल है तो इसको रो से डिनोट कर रहे हैं। तो स्पीड रेशियो फाई क्या होता है, यू अपॉन वी वन, यानी कि पेरिफेरल वेलोसिटी ऑफ टरबाइन डिवाइडेड बाय द इनलेट वेलोसिटी वी वन, तो यू अपॉन वी वन होता है। इसमें से यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रो वी वन। अब यू की ये वाली जो वैल्यू है, यू की जो ये वाली वैल्यू है रो वी वन, इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो देखो एक यू यहाँ पे था और एक यू यहाँ पे था, इसकी जगह पे हम रो वी वन पुट करेंगे, तो यहाँ पे तो यू है, यू की जगह पे रो वी वन पुट करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा रो वी वन स्क्वायर कॉस अल्फा माइनस यू की जगह पे रो वी वन पुट करना है, लेकिन यू का स्क्वायर है, तो आ जाएगा रो स्क्वायर वी वन स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा रो स्क्वायर वी वन स्क्वायर, तो यहाँ पे भी वी वन स्क्वायर, यहाँ पे भी वी वन स्क्वायर, उसको ले लेंगे बाहर कॉमन, और नीचे भी था वी वन स्क्वायर, वो हो जाएगा कैंसिल आउट। तो अब ऊपर क्या बचेगा, टू था, टू तो एज इट इज रहेगा, यहाँ पे वी वन स्क्वायर तो कॉमन लगा, कॉमन चला गया, यू की जगह पे रखा था रो वी वन, तो रो कॉस अल्फा हो जाएगा माइनस यू स्क्वायर की जगह पे रो स्क्वायर आ जाएगा, वी वन स्क्वायर भी आएगा लेकिन वो कॉमन होके कैंसिल आउट हो गया, और वन प्लस के एक्स तो ऐसी रखा रहेगा। देखो वन प्लस के एक्स ऐसी रखा है, इसलिए हमने इसको बार बार लंबी टर्म ना लिखनी पड़े, इसीलिए हमने इसको शॉर्ट में कन्वर्ट कर लिया था वन प्लस के एक्स में, ठीक है। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी अब क्या करेंगे, हम रो के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। तो U और V के बीच में हमें रिलेशन चाहिए था, तो पहले हमने U और V1 के बीच में एक रिलेशन निकाल के और उसी के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर दिया, यानी कि रो के स्पीड रेशियो के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करके जीरो पुट कर दिया। तो अब क्या आ जाएगा, इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो वन प्लस के एक्स तो कॉन्स्टेंट था, ये तो चला जाएगा जीरो में, इसको तो जीरो में भेज दिया। टू जो था वो भी जीरो में चला जाएगा, कॉन्स्टेंट है टू भी, तो जीरो में चला जाएगा। रो का कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा कॉस अल्फा, ये आ गया कॉस अल्फा माइनस रो स्क्वायर का कितना हो जाएगा टू रो, तो ये आ गया टू रो इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से रो की वैल्यू कितनी आ गई, कॉस अल्फा बाई टू, और रो की जो वैल्यू थी वो कितनी थी, स्पीड रेशियो कितना था, यू अपॉन वी वन, यानी कि ये जो वैल्यू निकली है वो यू अपॉन वी वन की वैल्यू निकली है कॉस अल्फा बाई टू। इसको याद रखेंगे, कंडीशन फॉर मैक्सिमम ब्लेड इफिशियंसी ऑफ इम्पल्स टर्बाइन इज कॉस अल्फा बाई टू, यू अपॉन वी वन या रो कॉस अल्फा बाई टू, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कंडीशन क्या है इम्पल्स टर्बाइन में मैक्सिमम इफिशियंसी की, तो कॉस अल्फा बाई टू है। अब ये जो रो की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है कॉस अल्फा बाई टू, इसको पुट कर देंगे मैक्सिमम इफिशियंसी की जो हमने कंडीशन एक्सप्रेशन निकाली थी, तो रो की वैल्यू हमने निकाली, चाहे यू अपॉन वी वन की पुट कर लो चाहे रो की पुट कर लो, बात एक ही है। तो वैल्यूज की जगह क्या पुट करनी है, कॉस अल्फा बाई टू पुट करना है। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी रो की जगह पे जब हम कॉस अल्फा बाई टू पुट करेंगे तो मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, देखो रो की जगह पे क्या पुट करना है, कॉस अल्फा बाई टू, इस टू को अभी बाहर ही रहने दो, ठीक है, कॉस अल्फा बाई टू, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू, यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू माइनस रो की जगह पुट करेंगे कॉस अल्फा बाई टू, लेकिन रो का स्क्वायर है तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा बाई फोर, तो कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा बाई फोर, यानी कि कुल मिला के आप ये समझ सकते हो कि हाफ में से वन बाई फोर्थ को माइनस कर रहे हो, तो हाफ में से वन बाई फोर्थ माइनस होगा तो वन बाई फोर्थ ही बचेगा, यानी कि यहाँ पे क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर अल्फा बाई फोर बचेगा, और टू बाहर में था तो टू से फोर को कैंसिल आउट कर देंगे तो टू बचेगा नीचे, यहाँ पे क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू बचेगा सिर्फ, और वन प्लस के एक्स ये तो था, तो वन प्लस के एक्स तो ऐसे ही चल रहा है, ठीक है, तो वन प्लस के एक्स ऐसे ही चल रहा है। अब क्या करेंगे हम, तो ये आ गई हमारी मैक्सिमम ब्लेड इफिशियंसी की कंडीशन, मैक्सिमम ब्लेड इफिशियंसी विल बी कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू वन प्लस के एक्स, ठीक है। बट इफ ब्लेड्स आर फ्रिक्शनलेस, अगर ब्लेड फ्रिक्शनलेस हुए तो के की वैल्यू तो वन हो जाएगी, ठीक है, अगर जो ब्लेड अगर फ्रिक्शनलेस होंगे, फ्रिक्शन की वजह से कोई भी वेलोसिटी में लॉस नहीं हो रहा होगा, तो वी आर वन वी आर टू के बराबर होगा और के की वैल्यू वन हो जाएगी। और सिमेट्रिकल ब्लेड अगर होंगे तो थीटा इज इक्वल टू फाइव होगा, लास्ट लेक्चर में बताया था सिमेट्रिकल ब्लेड होंगे तो थीटा फाइव होगा, और इम्पल्स टर्बाइन में ज्यादातर सिमेट्रिकल ब्लेड ही होते हैं, तो थीटा फाइव बराबर होंगे तो एक्स की वैल्यू भी बना जाएगी, के की वैल्यू वन एक्स की वैल्यू वन, तो यहाँ पे आ गया वन, वन प्लस वन टू, टू से टू कैंसिल, तो मैक्सिमम इफिशियंसी कितनी आ जाएगी ब्लेड की, कॉस स्क्वायर अल्फा,
ये दो क्वेश्चन बड़े कॉमनली पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में कि व्हाट इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम ब्लेड इफिशियंसी इन इंपल्स टरबाइन। तो वो कंडीशन क्या है, रो इज इक्वल टू कॉस अल्फा बाई टू, एंड व्हाट इज द मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ इंपल्स टरबाइन, दिस इज द कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो ये सिर्फ मैक्सिमम इफिशियंसी जो है वो सिर्फ अल्फा पे डिपेंड कर रही है, और अल्फा की वैल्यू जनरली 15 से 20% होती है। ठीक है, और कॉस में, कॉस अल्फा में, कॉस के साथ में जो भी कोई एंगल होता है वो जितना छोटा होता है वैल्यू उतनी बड़ी होती है, एंगल जितना छोटा होता है, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू 1 है और कॉस 90 की वैल्यू 0 है, तो एंगल 90 से जैसे जैसे छोटा होता रहता है, 0 की तरफ अप्रोच करता है, वैसे वैसे वैल्यू बढ़ती रहती है। इसका मतलब अगर ब्लेड 15 से 20 के बीच में वेरी करता है, या तो 20 होगा, 18, 19, ये सब कुछ हो सकता है, हम बात कर रहे हैं मैक्सिमम एफिशिएंसी की, तो 15 से कम तो होगा नहीं, तो कॉस स्क्वायर 15। ठीक है, कॉस 15 की वैल्यू निकाल के उसका स्क्वायर करेंगे और जो आपको आंसर मिलेगा दैट विल बी द मैक्सिमम एफिशिएंसी। तो कई बार ये भी पूछ लेते हैं एक्सप्रेशन कि ब्लेड की मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी हो सकती है इंपल्स टरबाइन में, तो कॉस स्क्वायर अल्फा ऑप्शन में है तो कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, लेकिन अगर वैल्यू दे दी है 40%, 60%, 80%, तो 15 डिग्री को यूज करके, 15 डिग्री एंगल को यूज करके कॉस 15 की वैल्यू निकाल के उसका स्क्वायर कर देंगे, तो वो आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, तो दिस विल बी द कंडीशन एंड ऑल्सो द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ द ब्लेड इन इम्पल्स टर्बाइन। स्टेज इफिशियंसी, अब देखो स्टेज की बात कर रहे हैं, इम्पल्स टर्बाइन में जब हम स्टेज की बात कर रहे हैं तो स्टेज में क्या होता है, वन सेट ऑफ नोजल एंड वन सेट ऑफ मूविंग ब्लेड, या वन सेट ऑफ फिक्स्ड ब्लेड और वन सेट ऑफ मूविंग ब्लेड, तो उसको बोलते हैं स्टेज इफिशियंसी। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं पूरी स्टेज की इफिशियंसी। अब अगर हम स्टेज की बात करें, यानी कि नोजल का इनलेट से लेके और मूविंग ब्लेड के आउटलेट के बीच में कितनी इफिशियंसी आएगी, अभी क्या था सिर्फ मूविंग ब्लेड पे निकल, तो मूविंग ब्लेड के आउटलेट पे कितनी एनर्जी मिलती है, पावर आउटपुट जो होती है एम डॉट वी डब्ल्यू वन प्लस VW2 into U, और moving blade के inlet पे कितनी एनर्जी थी, kinetic energy, half m dot V1 square, लेकिन यहाँ पे सिर्फ moving blade की बात नहीं चल रही है, यहाँ पे पूरी स्टेज की बात चल रही है। तो पूरी स्टेज के, पूरी स्टेज में एक नोजल है, पहले एक नोजल से पास होंगे और फिर मूविंग ब्लेड से, तो मूविंग ब्लेड से पास होने के बाद जो एनर्जी मिलेगी वो तो सेम ही रहेगी m dot VW1 plus VW2 into U, लेकिन नोजल के इनलेट पे कितनी एनर्जी होती है, तो नोजल के इनलेट पे एनर्जी होती है इन द टर्म्स ऑफ एंथैल्पी, उसकी जो एंथैल्पी थी तो एंथैल्पी की फॉर्म में होगी, यानी कि डेल्टा एच एस स्टेज में जितना एंथैल्पी ड्रॉप होगा उसको मास फ्लो रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमें एनर्जी मिल जाएगी जो कि इनलेट पे अवेलेबल थी, नोजल के इनलेट पे। अब इसी एम डॉट डेल्टा एच एंथैल्पी ड्रॉप से नोजल ने इसको कन्वर्ट कर दिया था काइनेटिक एनर्जी में, और फिर मूविंग ब्लेड ने उस काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया था मैकेनिकल वर्क में, विच इज एम डॉट VW1 प्लस VW2 इनटू यू के फॉर्म में हमें मिल गया था। लेकिन हम अगर स्टेज इफिशियंसी की बात करें, तो स्टेज में जो आउटपुट मिला नोजल प्लस ब्लेड से, जो आउटपुट मिला दैट इज एम डॉट VW1 प्लस VW2 इनटू यू, और जो इनपुट हमने दिया दैट इज एम डॉट डेल्टा एच एस, तो ये हो गई हमारी स्टेज इफिशियंसी। ठीक है, अब हम इसमें क्या किया, हमने इसको, हमने एम डॉट से एम डॉट तो यहाँ पे कैंसिल हो गया, अब बाकी जो बचा उसको दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, पहले पार्ट में इसको V1 स्क्वायर बाय 2 से मल्टीप्लाई किया और दूसरे पार्ट में V1 स्क्वायर बाय 2 से इसको डिवाइड किया, यानी कि बेसिकली m डॉट को भी अगर हम साथ साथ लेके चलते तो ये काइनेटिक एनर्जी को ऐड किया और मल्टीप्लाई किया, और काइनेटिक एनर्जी से ही इसको हमने डिवाइड भी कर दिया। इससे ऐसा हमने क्यों किया, देखो ये है काइनेटिक एनर्जी आउटपुट में और एंथैल्पी ड्रॉप इनलेट में, ये किसकी इफिशियंसी होगी, नोजल की इफिशियंसी, क्योंकि नोजल ने क्या किया था, इस एंथैल्पी को कन्वर्ट किया था काइनेटिक एनर्जी में, इस एंथैल्पी को कन्वर्ट किया था काइनेटिक एनर्जी में, तो जितनी काइनेटिक एनर्जी मिली और जितना एंथैल्पी ड्रॉप हुआ दैट इज अ नोजल इफिशियंसी। और ये तो ब्लेड इफिशियंसी अभी डिस्कस किया है हमने, VW1 plus VW2 into U upon kinetic energy V1 square by 2, ये तो क्या है ब्लेड इफिशियंसी है और ये क्या है नोजल इफिशियंसी है। इसका मतलब ये जो स्टेज इफिशियंसी है, और स्टेज में दो ही कंपोनेंट है, नोजल फिक्स्ड ब्लेड कह सकते हो और मूविंग ब्लेड, तो ये जो इफिशियंसी है ग्रॉस इफिशियंसी ऑफ स्टेज, दिस इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ नोजल इफिशियंसी इनटू ब्लेड इफिशियंसी, नोजल इफिशियंसी इनटू ब्लेड इफिशियंसी, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन से मिल जाएगी स्टेज की इफिशियंसी। या इंडिविजुअली नहीं निकालना चाह रहे अलग अलग,
तो फिर कंबाइंडली आप निकाल सकते हैं वी डब्ल्यू वन प्लस वी डब्ल्यू टू इंटू यू डिवाइडेड बाई द एंथैल्पी ड्रॉप डेल्टा एच एस, एक स्टेज का, ज्यादा स्टेजेस हो सकती हैं उसमें, ठीक है। तो ये हो जाएगी स्टेज इफिशियंसी। स्टेज इफिशियंसी के बाद देखते हैं एक टर्म यूज होती है कैरी ओवर कोफिशियंट। अब देखते हैं कैरी ओवर कोफिशियंट क्या होता है, कैरी ओवर का मीनिंग क्या होता है। देखो जब हम कुछ ऐड करते हैं, सपोज अगर मैं 46 में 75 ऐड करता हूँ तो हम क्या बोलते हैं इसको, 6 प्लस 5 11, 11 को 11 नहीं लिखते 1 लिखते हैं और एक कैरी ओवर यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। और क्या हो जाए 7 प्लस 4, और जो कैरी ओवर आया था ये यहाँ पे 1 इसको ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 121। तो इसका मतलब क्या हुआ कैरी ओवर का, कि पिछले एडिशन से जो आया दैट इज कैरी ओवर, पिछले एडिशन से 6 5 11 करके जो एक आया एक बचा था दैट इज कैरी ओवर, जो अगले एडिशन में हम ऐड कर रहे हैं। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ कैरी ओवर। जैसे आपके सेमेस्टर में भी होता है, अगर किसी की बैक आ जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, कैरी ओवर। तो उसका क्या मतलब है, पिछले सेमेस्टर से जो आप सब्जेक्ट लेके आए हो वो भी आपको इस सेमेस्टर में क्लियर करना है। तो पीछे से, पिछली स्टेज से जो आप लेके आ रहे हो दैट इज द कैरी ओवर। वही मतलब है यहाँ पे भी कैरी ओवर कोफिशियंट का। देखो कैरी ओवर कोफिशियंट में क्या है कि जब मूविंग ब्लेड से, नोजल से निकलने के बाद, नोजल से जो वेलोसिटी निकली दैट इज वी वन, नोजल से जो वेलोसिटी निकलेगी दैट इज वी वन। अब जब ये मूविंग ब्लेड से पास होगी तो वी वन से ये एंटर करेगी एब्सोल्यूट वेलोसिटी से और वी टू से बाहर निकलेगी। दिस इज द फर्स्ट रो ऑफ मूविंग ब्लेड, ठीक है। कंपाउंडिंग की अगर बात करें तो पहली स्टेज में नोजल होगा कर्टिस टर्बाइन में, ये कर्टिस टर्बाइन के लिए हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो टू रो कर्टिस टर्बाइन का हमने एग्जांपल लिया जिसमें दो स्टेज है। तो फर्स्ट रो ऑफ मूविंग ब्लेड है, फर्स्ट रो ऑफ मूविंग ब्लेड में पहले नोजल से, नोजल में क्या होगा पूरे का पूरा एक्सपेंशन एक बार में हो जाएगा। कर्टिस टर्बाइन याद है वेलोसिटी कंपाउंडिंग, तो पूरे का पूरा जो एक्सपेंशन है वो नोजल में एक ही बार में हो जाएगा और हमें हाई वेलोसिटी मिलेगी विच इज वी वन इनलेट पे। तो पहले ये फर्स्ट सेट ऑफ मूविंग ब्लेड से पास होगी वी वन और आउटलेट पे जब निकलेगी दैट विल बी v2 से निकलेगी। अब v2 से निकलने के बाद v2 वेलोसिटी जो ये निकली आउटलेट पे, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा देखो यहाँ पे तो ये काइनेटिक एनर्जी जो थी वो कन्वर्ट हो जाएगी मैकेनिकल वर्क में। तो यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि बीच में एनर्जी का लॉस हुआ है, ऑब्वियसली यहाँ पे एनर्जी का लॉस नहीं हुआ है बल्कि वो एनर्जी जो v1 से v2 जो कम आया है v1 से वो एनर्जी कन्वर्ट हुई है मैकेनिकल वर्क। लेकिन यहाँ जब ये v2 से निकलने के बाद फिक्स्ड ब्लेड सेट में एंटर करेगी तो ये v2 बीच में तो कुछ लॉस होना नहीं चाहिए था, बीच में तो कोई कन्वर्जन डिवाइस है नहीं, ना तो कन्वर्ट हो रही है। तो v2 से अगर ये निकल रही है और ये जो एंट्री यहाँ पे कर रही है वो v2 से जितनी वेलोसिटी से निकली उतनी ही वेलोसिटी से यहाँ पे एंटर की, मींस पिछली स्टेज में जो इफिशियंट, पिछली स्टेज में जो वेलोसिटी थी वही वेलोसिटी के साथ नई स्टेज में एंटर कर रही है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो क्या होता है कि यहाँ पे पहली स्टेज से जो वेलोसिटी निकली है v1 v2 उस नई स्टेज में जब ये एंटर करेगी तो वो नई वेलोसिटी के साथ एंटर करेगी, दैट विल बी v1 डैश, और ये जो v1 डैश है दैट विल बी लेस देन v2, ये जो v1 डैश है दैट विल बी लेस देन v2, जबकि ये बराबर होनी चाहिए थी। इसका मतलब बीच में कहीं कुछ लॉस हुआ है। तो लॉस की वजह से एक कोफिशियंट हमने यहाँ पे एंटर कर दिया जिसको बोल रहे हैं कैरी ओवर कोफिशियंट। तो कैरी ओवर क्यों बोल रहे हैं समझ में आएगा, कि पिछली स्टेज से जो वेलोसिटी आ रही है वो उतनी वेलोसिटी नहीं मिल रही, उसका लॉस हो रहा है बीच, इसीलिए पिछली स्टेज की वेलोसिटी को भी हमें यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा, यानी कि v2 को भी कंसिडर करना पड़ेगा। अब देखो भले ही यहाँ पे वेलोसिटी का लॉस हुआ लेकिन हम यहाँ पे बोलते हैं एनर्जी का लॉस, और वेलोसिटी की फॉर्म में कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी। इसलिए ये जो कैरी ओवर कोफिशिएंट है वो क्या है, एनर्जी लॉस बिटवीन स्टेजेस, एनर्जी लॉस बिटवीन स्टेजेस। तो काइनेटिक एनर्जी का जो लॉस हुआ वो कैसे निकलेंगे हम, आउटपुट में हाफ एम डॉट वी, आउटपुट पे कितनी मिली v1 डैश, आउटपुट मतलब दूसरी स्टेज पे एंट्री करते हुए कितनी वेलोसिटी थी v1 डैश स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाफ एम डॉट, और इनिशियली छूटी जब निकली थी फर्स्ट स्टेज से तब कितनी थी v2 स्क्वायर। तो m डॉट से m डॉट और हाफ से हाफ तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या v1 स्क्वायर अपॉन v2 स्क्वायर। तो ये phi की वैल्यू हो जाएगी, सॉरी v1 डैश स्क्वायर अपॉन v2 स्क्वायर। तो दिस इज द कैरी ओवर कोफिशिएंट व्हिच इज शोइंग दैट द काइनेटिक एनर्जी लॉस बिटवीन स्टेजेस। ये होना नहीं चाहिए था लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत एनर्जी का लॉस हो जाता है, और ये शो करता है कैरी ओवर कोफिशिएंट। कैरी ओवर कोफिशिएंट की जो वैल्यू है
वो लगभग 0.9 से 0.95 के बीच में होती है, मतलब बहुत ज्यादा वैल्यू है, इसका मतलब जो लॉस है वो काफी कम है, लेकिन फिर भी जो लॉस है उसको हमें यहाँ पे शो करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ कैरी ओवर कोएफिशिएंट। और उसी तरीके से अब ये तो फिक्स्ड ब्लेड में एंटर किया है, उसके बाद फिक्स्ड ब्लेड में तो अगर कुछ लॉस होगा तो वो किसकी वजह से होगा, फ्रिक्शन की वजह से होगा, तो वो तो के टर्म में ऑलरेडी हमने कंसीडर कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे फिक्स्ड ब्लेड में तो एनर्जी का कुछ लॉस होगा नहीं, ना कन्वर्जन होगा, तो ये जो लॉस हुआ फ्रिक्शन की वजह से उसको तो के टर्म्स में हमने ले लिया। तो जब आउटलेट निकलेगी वेलोसिटी वो निकलेगी वी टू डैश। अब वी टू डैश से जब ये यहाँ से फिक्स ब्लेड से निकलेगी तो मूविंग ब्लेड में वी टू डैश से एंटर करनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे भी वही लॉस होंगे जो यहाँ पे हुए थे। तो सेम तरीके के लॉसेस यहाँ पे होंगे जब मूविंग ब्लेड से फिक्स ब्लेड में जाएगी और जब फिक्स ब्लेड से मूविंग ब्लेड में जाएगी। फिक्स्ड ब्लेड में जो यहाँ पे वेलोसिटी कम हुई वो हुई इस वजह से क्योंकि वो वेलोसिटी कन्वर्ट होगी मैकेनिकल एनर्जी में, और मूविंग ब्लेड से मूविंग ब्लेड के अंदर जो लॉसेस हुए वो लॉस हुए फ्रिक्शन की वजह से। ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक जो एनर्जी का लॉस हो रहा है मूविंग ब्लेड से फिक्स ब्लेड में और फिक्स ब्लेड से मूविंग ब्लेड में, उसको बोलते हैं कैरी ओवर कोएफिशिएंट, और ये शो कर रहा है कि स्टेजेस के बीच में जो एनर्जी का लॉस हो रहा है। ठीक है, तो बेसिकली कैरी ओवर कोएफिशिएंट क्या है, इट टेक्स इनटू अकाउंट द अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट इन बिटवीन द स्टेजेस एंड इट इज अ फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी व्हिच विल बी अवेलेबल फॉर द यूटिलाइजेशन इन द नेक्स्ट स्टेज। तो नेक्स्ट स्टेज में जो काइनेटिक एनर्जी अवेलेबल है और पिछली में जो थी उसका फ्रैक्शन होता है कैरी ओवर कोएफिशिएंट। तो दिस इज अबाउट द इंपल्स टर्बाइन।